घर में तो कोई काम है ही नहीं, जो यहाँ गई वहाँ गई, सारा दिन डोलती रहती है। माँ जी, आज मीरा आई थी इसलिए थोड़ी देर हो गई। लो, अब कौन आ गया? कौन है? घणी खम्मा माईसा। बाईसा है क्या? हाँ हाँ, खम्मा घणी, अभी अभी आई है। हाँ लखन भैया, कैसे आए? बाईसा, मैं टीबी यानी डॉट्स की दवाई लेने आया हूँ। अच्छा रुको, मैं अभी निकाल कर देती हूँ। आशा हूँ मैं स्वास्थ्य प्रेरक आशा हूँ, स्वास्थ्य प्रेरक आशा हूँ मैं, स्वास्थ्य प्रेरक आशा हूँ, स्वस्थ रहे जन जन। हाँ लखन भैया, इस बीमारी का इलाज तब तक पूरा करना जब तक की बीमारी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। जी भाईसा, मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ कि मुझे दवाई समय पर लेनी है। इसलिए मैं दवाई नियमित रूप से आपके बताए अनुसार ले रहा हूँ। क्योंकि भाईसा, मैं आपकी बताई हुई बात समझ चुका हूँ। आपने उस दिन बताया था ना कि यदि मैं दवाई नियमित रूप से नहीं लूँगा तो मुझे टीबी से कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा और ये टीबी मेरे शरीर में और ताकतवर होता जाएगा। भाई जी, खम्बा घड़ी भाई जी। क्या हुआ? भाई जी, छाया को तेज बुखार आ रहा है और कब कभी भी लग रही है। चलिए मेरे साथ। अच्छा घबराओ मत, चलो देखते हैं। बीमार पड़े जो कोई तो उपचार की राह दिखलाती हूँ, मैं गांव की बहू हूँ पर गांव की बेटी अब कहलाती हूँ। अरे रमेश भैया, इसे तो तेज बुखार है। मैं इसकी मलेरिया बुखार की जांच RDT किट से कर लेती हूँ और पैरासीटामोल की एक गोली भी दे देती हूँ और फिर ANM बाई जी को बुलवा लेंगे ताकि ANM बाई जी भी छाया के रोग का निरीक्षण कर लें और छाया का उपचार हो सके। बीमार पड़े जो कोई तो उपचार की राह दिखलाती हूँ, मैं गांव की बहू हूँ पर गांव की बेटी अब कहलाती हूँ। गौरी, क्या तुमने छाया की RDT किट से मलेरिया बुखार की जाँच कर ली है? जी बाई जी, मैंने जाँच कर ली है। छाया को मलेरिया बुखार है। बुखार आए तो घबराना नहीं, गीली पट्टी सर पर रखते रहना और ये गोलियां समय पर देना। ठीक है दीदी। आशा है ये राजस्थान की आशा है, स्वस्थ रहे जन जन, यही तेरी आशा है। सर नमस्ते। नमस्ते गौरी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, स्कूल के पास एक गहरा गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, मच्छर भी बैठे रहते हैं जिससे मलेरिया फैलने का डर रहता है। मैं ANM बाई जी से कहकर गड्ढों में MLO डलवाने के लिए भिजवाता हूँ। अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। वैसे गड्ढों को भरवाने की बात तुम ग्राम सभा या ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पेयजल एवं पोषण समिति की बैठक में जरूर करना। जी सर, जरूर करूँगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अब मैं चलती हूँ। अरे कैसे हो हरी भैया, और काकी कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ भाईसा, पर माँ की आंखों से पानी आता है। पानी आता है? चलो देखती हूँ। जी चलिए। माँ गौरी भाईसा आपसे मिलने आई हैं। राम राम काकी जी, कैसी हो? राम राम, अच्छी हूँ। पर बेटी, मेरी दाई आंख में पानी बहुत आता है और धुंधला भी दिखता है। चिंता मत करो काकी, अब तो सरकार आंखों की निशुल्क जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर आंखों का निशुल्क ऑपरेशन भी करवाती है। कल हम डॉक्टर साहब से आपकी आंख की जांच करवाने चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, बहुत परेशान हो चुकी हूँ अब तो।
आशा हूँ मैं स्वास्थ्य प्रेरक आशा हूँ, स्वास्थ्य प्रेरक आशा हूँ मैं, स्वास्थ्य प्रेरक आशा हूँ, स्वस्थ रहे जन जन यही मेरी आशा है। क्या शिकायत है आपको? डॉक्टर साहब, मेरी दाई आंख में पानी बहुत आता है और धुंधला भी दिखता है। अच्छा, मैं देखता हूँ। ठीक है गौरी, मैंने इनकी आंखों की जांच कर ली है। इन्हें मोतियाबिंद की शिकायत है। काकी, तो मोतियाबिंद के उपचार के लिए आपकी आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मुझे तो ऑपरेशन के नाम से ही डर लगता है। चिंता की कोई बात नहीं है। अरे आप घबराइए नहीं, ये तो बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन होता है और कुछ ही देर में पूरा भी हो जाता है। आपको बस कुछ दिन आराम करना होगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा और फिर आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अब मैं चलती हूँ। ठीक है गौरी। अरे भाई साहब, घणी खम्मा, मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई। हाँ बताओ मोहन, क्या बात है? ये देखे भाई साहब, कुछ समय से मेरे हाथ पैर मुंह कि चमड़ी सफेद व लाल हो गई है। देखो भैया, ये कुष्ठ रोग हो सकता है। हमें इसे डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा। चलो, मैं PHC पर जा रही थी, आपकी भी जांच करवा दूंगी। ठीक है भाई साहब, चलिए। बीमार पड़े जो कोई तो उपचार की राह दिखलाती हूँ, मैं गांव की बहू हूँ पर गांव की बेटी अब कहलाती हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते गौरी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, मैं मोहन भैया को दिखाने आई हूँ। आप देखिए जरा इनके हाथ पैर और ये मुंह पर सफेद और लाल धब्बे से हो रहे हैं। आओ मोहन, यहाँ स्टूल पर बैठो। जी डॉक्टर साहब। दिखाओ कहाँ कहाँ पर है धब्बे। बताओ, ये चुभाने पर दर्द हो रहा है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, दर्द नहीं हो रहा। मुझे तो कुछ पता भी नहीं चल रहा कि आप कुछ चुभा रहे हैं। मोहन, तुम्हें कुष्ठ रोग की शिकायत है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका उपचार संभव है और निशुल्क भी है। गौरी, इनका PB कैटेगरी का 9 माह का इलाज चलेगा और अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो इन्हें MB का 12 माह का पूरा कोर्स देना पड़ेगा। मोहन, ये लो, ये दवाइयाँ ले लो, इन्हें नियमित लेते रहना। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं दवाई समय पर लूँगा और इसका पूरा कोर्स भी करूँगा। अच्छा अब हम चलते हैं। बीमार पड़े जो कोई तो उपचार की राह दिखलाती हूँ, मैं गांव की बहू हूँ पर गांव की बेटी अब कहलाती हूँ। मोहन भैया, इस बीमारी का इलाज तब तक पूरा करना जब तक कि बीमारी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। ठीक है भाई साहब। हेलो निशा, कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम बताओ। निशा, कल सेक्टर की मासिक बैठक है, PHC पर अपने काम की समीक्षा की जाएगी, तो बता इस माह क्या क्या काम किया? मेरा पहला काम जो मैंने किया है वो है, हाँ, मैंने 3 महिलाओं की प्रसव पूर्व 4 जांचें पूर्ण करवाई हैं। मेरा दूसरा काम, हाँ गौरी, मैंने 2 महिलाओं को प्रेरित कर उनके संस्थागत प्रसव कराए हैं। और मेरा तीसरा काम जो मैंने किया है, मैंने 2 अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर MTC के लिए रेफर किया है। मेरा चौथा काम है बच्चों का टीकाकरण। और मेरा पांचवा काम,
दो बच्चों के होने के बाद वाले केस में एक नसबंदी कराई। और गौरी, मेरा छठा काम ये है कि मैंने 3 साल का अंतराल रखवाने हेतु IUCD लगवाने का काम किया है। और गौरी, मैंने अपने सारे काम को डायरी में अपडेट भी कर लिया है। अब तू बता, तूने क्या क्या काम किए हैं? अरे ये सब जो तूने बताया, इसके अलावा TB के रोगियों का भी इलाज करवाया, मोतियाबिन का ऑपरेशन करवाया, मलेरिया रोगी को RT यानी रेडिकल ट्रीटमेंट की दवा दी, और हाँ, किशोर किशोरियों की बैठक भी करवाई। और हाँ निशा, मैंने इस महीने माँ कार्यक्रम के तहत गर्भवती व धात्री महिलाओं की त्रैमासिक बैठक का आयोजन भी किया है। और हाँ, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में इलाज भी करवाया है। अरे वाह गौरी, तूने तो अच्छा काम किया है। चलो ठीक है, कल होने वाली सेक्टर मासिक बैठक में मिलते हैं। ठीक है, पर तुम समय पर आ जाना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो गौरी, मैं समय पर पहुँच जाऊँगी। दीदी, मैं अपने क्षेत्र के घरों की सूची यानी लाइन लिस्टिंग पूरी बनाकर लाई हूँ, एक बार इसकी जांच कर लीजिए। गौरी, लाइन लिस्टिंग सूची तो सही है, पर जन्म मृत्यु पंजीकरण फॉर्म अधूरा है, इसे पूरा करो। निशा, टीकाकरण के बच्चों की ड्यू लिस्ट दिखाओ। दीदी ये लीजिए। दीदी, इसके साथ ANC लाभार्थियों की सूची व परिवार कल्याण हेतु योग्य दंपतियों की सूची भी जांच लीजिए। गौरी, तुमने